मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे कोई नहीं सोचता है कि अपने बेटा को ऐसे आके ऐसे दे, क्योंकि हम लोग तो और को देते हैं, कभी अपने हम अपने लिए तो कभी नहीं सोचते ना। जो भी है इतना देश के लिए अपना जान दिया है, तो सभी यंगस्टर्स को कुछ सीखना चाहिए। अभी ऐसे क्योंकि अभी आपको पता ही है कि आर्मी में कुछ ज़्यादा नहीं आना चाहते, ऑल दे गो फॉर कॉपरेटिव ऑफिस और समथिंग, तो एटलीस्ट ये सब देख के उनको हौसला मिलना चाहिए। उसने अपना जो भी ड्यूटी निभाया वहाँ पे और अपना जान देने में कुछ पीछे नहीं हटा, तो उसी में से ना। दार्जिलिंग के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा जी ने मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं समस्त जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं उनके परिवार को और उनकी माता और उनके पिताजी को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारत माता के लिए पैदा किए। और ये दुखद घड़ी है, दुखद समय है परिवार के लिए, मैं उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये जरूर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक बेटा खोया है लेकिन पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। ये दुखद घटना है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आए दिन अपने जो है आतंकी संगठनों के नाम बदल करके भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को मुझे लगता है सुधरने की आवश्यकता है। Thank you.